अंतरजाल या इंटरनेट, यह एक दूसरे से जुड़े संगठनों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। इसमें कई संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के सरकारी और निजी संगणक जुड़े हुए हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में अंतरजाल नियमावली के जरिए सूचना का आदान प्रदान करते हैं। अंतरजाल के जरिए मिलने वाली सूचनाओं और सेवाओं में अंतरजाल पृष्ठ, वेब पेज, ईमेल, वाची सेवा प्रमुख हैं। इसके साथ साथ चलचित्र, संगीत, वीडियो के इलेक्ट्रिक स्वरूप का आदान प्रदान भी अंतरजाल के जरिए होता है। संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो अमेरिकी सेना की सूचना और अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1973 में यूएस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की। उस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि कंप्यूटरों के द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकी और प्रौद्योगिकी को एक दूसरे से जोड़ा जाए और एक नेटवर्क बनाया जाए, जिसका उद्देश्य संचार संबंधी मूल बातों को एक साथ एक ही समय में अनेक कंप्यूटरों पर नेटवर्क के माध्यम से देखा और पढ़ा जा सकता है। इसे इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट नाम दिया गया, जो आगे चलकर इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। 1986 में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने NSFNet का विकास किया, जो आज इंटरनेट पर संचार सेवाएं की रीढ़ है। एक सेकंड में 45 मेगाबाइट संचार सुविधा वाली इस प्रौद्योगिकी के कारण NSFNet 12 बिलियन सूचना पैकेट को एक महीने में अपने नेटवर्क पर आदान प्रदान करने में सक्षम हो गया है। इस प्रौद्योगिकी को और अधिक तेज गति देने के लिए नासा और ऊर्जा ने अनुसंधान किया और NSINet और ESNet जैसी सुविधाओं को इसका आधार बनाया। भारत में अंतरजाल 80 के दशक में आया, जब इननेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम की ओर से प्रोत्साहन मिला। सामान्य उपयोग के लिए जाल 15 अगस्त 1995 से उपलब्ध हुआ, जब विदेश संचार निगम सीमित ने गेटवे सर्विस शुरू की, BSNL। इंट्रानेट किसी संगठन के भीतर कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। एक्स्ट्रानेट कंप्यूटर के बीच कुछ संबंधित संगठनों का एक नेटवर्क है। फिर बात करते हैं फायरवॉल। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है, जिसका निर्माण अनाधिकृत उपयोग को रोकने व अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। फायरवॉल का उपयोग अनाधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क मुक्ता इंटरनेट का उपयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है। सभी संदेश जो इंटरनेट से बाहर जाते हैं या अंदर प्रवेश करते हैं, वह फायरवॉल के माध्यम से जाते हैं। फायरवॉल सभी संदेशों की जांच करता है जो संदेश निर्देशित सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते, उनको रोकता है। फिर DNS डोमेन नाम प्रणाली। कंप्यूटर सेवाओं या किसी इंटरनेट या किसी निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक क्रमिक नामकरण प्रणाली है। यह प्रतिभागी को दिए गए डोमेन नाम के साथ विभिन्न जानकारी एकत्रित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मनुष्यों के लिए अर्थपूर्ण डोमेन नामों को पूरी दुनिया में इन उपकरणों को पहचानने तथा संबोधित करने के प्रयोजनों से नेटवर्किंग उपकरणों के साथ जुड़ी संख्यात्मक पहचान में बदल देती है। डोमेन नाम प्रणाली के बारे में अक्सर प्रयुक्त होने वाले कहावत है कि यह इंटरनेट के लिए फोन बुक के रूप में मनुष्यों के अनुकूल कंप्यूटर होस्ट नाम का IP एड्रेस के रूप में अनुवाद करती है। फिर बात करते हैं लोकप्रिय डोमेन नाम, जैसे .jobs ये नौकरी का, .org संगठन से संबंधित, .gov सरकारी एजेंसियों, .name निजी, .in भारत, .edu शैक्षिक, .com वाणिज्यिक व्यापार, .mil सैन, .net नेटवर्क संगठन, .biz BIZ व्यापारिक संगठन। ठीक है, URL की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म संसाधन लोकेटर का एक वेब पृष्ठ का पता है, या अन्य शब्दों
URL में इंटरनेट पर हर फाइल का पता निर्दिष्ट करता है। तीन भागों में URL है। फाइल का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए प्रोटोकॉल HTTP अनुपाते डैश डे IP WWW और राजस्थान ज्ञान .NET जैसे .com ठीक है। WWW के बाद ये कोई नाम है IP एड्रेस हो गया और .com ये डोमेन नेम है। फिर ब्राउजर की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्राप्त करने से में मददगार सॉफ्टवेयर को ब्राउजर कहते हैं। नेटवर्क नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्वाधिक प्रचलित ब्राउजर है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो HTML और उससे संबंधित प्रोग्राम को पढ़ सकता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। यह संगणक द्वारा अंतरजाल के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका है। आमतौर पर इंटरनेट पर कई मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं। कुछ लोकप्रिय वेब आधारित पत्रिका सेवाएं जीमेल याहू रेडिट मेल हॉटमेल ई पत्र सीपी इंडिया टाइम्स जपाक मेल AOL मेल आदि। खोज इंजन की बात करें। खोज इंजन सर्च इंजन वेबसाइट पर चल रहा एक प्रकार का स्पेशल प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की आवश्यक जानकारी अन्य वेबसाइट से तलाश कर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए गूगल याहू ETC यातायात भीड़ ट्रैफिक जहां भी कई उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में इंटरनेट से कनेक्शन हो रहा है या इंटरनेट सेवा प्रदाता की केबलों उपयोगकर्ताओं की अधिकतम गति का समर्थन करने में सक्षम नहीं है। एक घटना यह है कि वास्तव में ट्रैफिक जाम की तरह ठीक है।